अहंकार अहंकार अहंकार। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप लोगों ने खुद के अंदर न जाने कितने तरह के विकार पाल लिए हैं। आज लोग ना तो आप सेक्स को स्वीकार कर पा रहे हो और ना ही किसी ऊंचे काम में लग पा रहे हो। आपने अपने अंदर एक गिल्ट, एक अफसोस पैदा कर लिया है, क्योंकि आप वासना को बहुत ज्यादा गंदा मान बैठे हो। अब आपकी शादी होगी भी ना तो भी अब आपको बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने अपने मन में यह बैठा लिया है कि सेक्स यानी बहुत गलत चीज। आपके अंदर यह अहंकार बन जाता है कि मैं सही हूँ और पूरी दुनिया गलत है, मैं वीर को रोक कर बैठा हूँ तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। हर दिन खुद को ये याद दिलवाते हो कि मैंने वीर रोक रखा है। हर दिन और लोगों से खुद को श्रेष्ठ मानते हो कि मैं इसे दबा कर बैठा हूँ। अब दबा कर कह रहा हूँ तो बुरी लग रही होगी, लेकिन पॉइंट वही आता है। आपने पढ़ा होगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के हम धूल के कण के बराबर भी नहीं है। उनकी चेतना इतनी ऊंची थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ना ही गृहस्थ को बुरा बताया और ना ही उन लोगों को बुरा बताया जिन्होंने अपना जीवन ऊंचे लक्ष्य के लिए निछावर कर दिया। लेकिन तुम लोग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और करने जा रहे हो, दिन रात लोगों को सब्सक्राइब कर करके ऐसी वीडियो को देख देख कर। कैसी वीडियो को? हम जैसे की वीडियो को। आपको ये नहीं पता कि सेक्स एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। आप लोगों को इतनी तो पता ही होगी। अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूं कि सेक्स एक एनर्जी है, और अगर तुम इसे दबाते हो तो इसका तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर गिल्ट पैदा होगा, तुम्हारे अंदर अंदर ही अंदर सेक्स को लेकर नेगेटिव फीलिंग पैदा होगी। तुम ना भी चाहोगे तो भी, वरना तुम खुद से पूछो, अभी तुम अगर सेक्स कर भी लो तो भी तुम डिप्रेशन में मरते चले जाओगे। तुमने खुद की यह हालत कर रखी है, क्योंकि तुम्हें एनर्जी को बस दबाना है। तुम्हें पता है गौतम बुद्ध एक विवाहित भी रहे हैं और एक सन्यासी भी रहे हैं। उन्हें ब्रह्मचारी से कोई मतलब नहीं, उन्हें मतलब था सत्य से, उन्हें मतलब था कुछ जानने से, उन्हें मतलब था जीवन को समझने से। वो कुछ सीखने के लिए घर से बाहर गए, सीखा, वृत्ति और संसार को समझा और आगे बढ़े, और लगातार और निरंतर समझते रहे। उन्होंने अपनी ऊर्जा को सही चीज में इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि वासना या सेक्स गलत है। पर उन्होंने ये भी कहा कि किसी एक चीज का हो जाना ये बिल्कुल भी सही नहीं। एक चीज का हो जाना मतलब कि किसी एक चीज को अच्छा मान लेना और एक चीज को बुरा मान लेना, ये बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि जो प्रकृति है वो कभी ना तो बुरी थी और ना होगी। तुम्हें अपनी मौत बुरी लगती होगी, है ना? तुम्हें लगता होगा कि मौत बहुत बुरी चीज है, लेकिन ये भी तुम्हारे अंदर गलत भ्रम है। तुम्हारे घर में कोई मरता होगा तो तुम्हें पेन तो होता है, तुम सत्य को स्वीकार तो नहीं करते, और तुम्हें ये लगता होगा कि मौत बहुत बेकार है, हमारे अपने मरने नहीं चाहिए थे। लेकिन प्रकृति में ये कोई गलत नहीं, क्योंकि अगर प्रकृति में ये चक्र हो ही ना तो जानते हो क्या होगा? अगर एक दानव पैदा हो गया तो वो तो कभी मरेगा नहीं, और जब वो मरेगा नहीं तो वो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर डालेगा। ऐसे ही तुमने सेक्स और वासना को बहुत ज्यादा गलत समझ लिया है, और तुमने समझा नहीं, लगातार लोगों ने समझाया है तुम्हें। लगातार तुम देख नहीं रहे कितने लोग सब्सक्रिप्शन लो, ये लो, वो लो, इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट तुम्हें दे रहे हैं। और एक समाज, समाज क्या कर रहा है? सिर्फ सेक्स दे रहा है। हीरो सेक्स देंगे, अभिनेत्रियां सेक्स देंगी, अपने जिस्म को दिखाएंगी। लगातार तुम्हें एक ही चीज निरंतर याद दिलवा रही है कि यही है, यही है और यही है। और बाकी ब्रह्मचर्य यूट्यूबर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वीर रोको, वीर रोको, वीर रोको, वीर रोको। लेकिन इसमें नाश किसका है? नाश हम लोगों का है, क्योंकि ना तो हम स्त्री को समझना चाहते हैं, ना ही प्रकृति को समझना चाहते हैं, ना ही माया को समझना चाहते हैं, बस इन लोगों को समझना चाहते हैं। और इन लोगों को समझकर ही तो ये हुआ है। मेरे भाइयों ने कॉल पर भी किया है, पवन भाई मेरी शादी हो गई है लेकिन अब मेरी वाइफ मुझसे सेक्स करती है तो मुझे घृणा होती है। ये हाल है तुम्हारा। अभी समझो मेरे भाई, तुमने अपने अंदर अफसोस, एक ग्लानि पैदा कर ली है। तुमने सेक्स को सेक्स नहीं माना, तुमने उसे घृणित चीज माना है। और घृणित ज्यादातर भाइयों को इसीलिए लगी है क्योंकि वो दिन रात इसमें थे। लेकिन वो थे किस वजह से? इस वजह से क्योंकि वो समाज में ज्यादा थे। लेकिन ये दोनों ही गलत हैं, दोनों ही लोग गलत हैं। एक हम जैसे यूट्यूबर, दूसरा ये समाज। हम भी समाज में ही आ रहे हैं, लेकिन एक तरीके से तुम्हें बता रहा हूं कि ये दोनों ही गलत हैं। पहला वो सोशल मीडिया, वो अभिनेत्री, वो हीरो, दूसरा हम जैसे लोग जो कह रहे हैं कि वीर को रोको। तुम्हें बस उसकी सुननी होगी जो तुमसे ये कह रहा है कि चेतना को ऊपर उठाओ।
तुम्हें उसकी सुननी होगी जो कह रहा है कि कृष्ण के निकट जाओ। तुम्हें उसकी सुननी होगी जो कह रहा है कि जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हें उसकी सुननी होगी जो कह रहा है कि अपने अंदर प्रेम और करुणा लाओ। तुम्हें उसकी सुननी होगी जो कह रहा है कि शरीर कोई महत्व नहीं रखता, रखता है तो सिर्फ चेतना महत्व। शरीर होकर ही मर जाओगे। अष्टावक्र नाम सुना है तुम लोगों ने? बहुत भाइयों को तो पता भी नहीं होगा अष्टावक्र है कौन। अगर उन्हें जाकर पढ़ोगे ना तो ये कहोगे कि एक ऐसा इंसान जिसका शरीर भी कुछ नहीं, जो 8 जगहों से टूट फूट हुआ पड़ा है, उसकी चेतना इतनी ऊंची कि 100 साल के आदमी में भी इतना ज्ञान ना हो, और उन इंसान ने मनुष्य को जीना सिखाया है। लेकिन तुम्हें इस बारे में पता ही नहीं है, तुम्हें खबर ही नहीं है किसी के बारे में। तुम्हें खबर है तो उन यूट्यूबरों के बारे में जो वीर को रोकना सिखा रहे हैं। अपने अंदर झांको मेरे भाइयों, देखो तुमने सेक्स और नारी को क्या समझ लिया है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं पवन भाई, हम सेक्स को बुरा नहीं मानते, लेकिन भाई झांको, अंदर देखो, झूठ नहीं है इसमें। तुमने अपने अंदर इतना गिल्ट पैदा कर लिया है, इतना अफसोस पैदा कर लिया है, तुम ये नहीं समझ पा रहे कि जितना तुम सिर्फ वीर्य पर ध्यान दोगे उतना ही सेक्स को लेकर तुम्हारे अंदर नेगेटिव भावना पैदा होती रहेगी। मैंने हर बार कहा है कि किसी भी आदत को छोड़ा नहीं जा सकता, एक नई आदत पैदा करनी होती है। उसे 10 तरीके से बोल सकते हैं कि एक नई आदत पैदा करो, या कह सकते हैं ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य में लगो, या कह सकते हैं कि ये वाला मंत्र पढ़ो, या कह सकते हैं ये वाली प्रक्रिया करो, लेकिन पॉइंट एक ही है, आदत खत्म नहीं होती, बस नई आदत पैदा की जाती है। इस बात पर ध्यान मत दो कि वीर्य बर्बाद हो रहा है, नहीं, इस बात पर ध्यान दो कि जीवन बर्बाद जा रहा है। ध्यान से सुनना, इस बात पर ध्यान मत दो कि वीर्य या सेक्स हो रहा है या नहीं हो रहा, या सब कुछ बर्बाद जा रहा है। इस बात पर ध्यान दो कि समय बर्बाद जा रहा है, जीवन बर्बाद जा रहा है। कितना समय निकल चुका है उस चीज के लिए जिसको महत्व कभी देना ही नहीं था, लेकिन इन यूट्यूबरों ने हर भगवान को, हर ऊंचे से ऊंची चेतना को, सबको एक ही पॉइंट लाकर रख दिया है कि इन्होंने ब्रह्मचर्य किया, इन्होंने वीर्य रोका, इन्होंने ये किया, तब इतनी शक्ति थी, ये वो, लेकिन ये सब स्वार्थी हैं। वो स्वार्थ इसलिए आ रहा है क्योंकि जब ऊंचे से ऊंची चेतना को अपने संग लाओगे तो तुम्हें लगेगा कि अरे इन्होंने भी तो किया, तो मतलब इनका जीवन इतना जो मस्त हुआ ये वीर्य रोकने से हुआ। यही तो बुद्धिमानी नहीं है, तुम इनका भी जाल नहीं समझे। इन्हें तो कॉन्टेंट चाहिए, इन्हें तो ऐसे तर्क चाहिए जिसमें ये जीत सके, क्योंकि इनका चैनल ही एक तरीके से बना है। लेकिन मेरे भाई, संगत उसकी करो जो चेतना को ऊपर ले जाए, जो कहे कि जीवन व्यर्थ जा रहा है। जो भी तुम्हें वीर्य के बारे में कहे तुरंत छोड़ दो। और संगत अगर मैं कहूं तो आचार्य प्रशांत की जाकर संगत करो, समय निकल रहा है। वहीं से तुम्हें पता पड़ेगा कि कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं, किसकी संगत करनी है और किसकी नहीं। अगर उनकी बातें समझ में नहीं आती तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। लेकिन मेरे भाई, अपने आप को और बर्बाद मत जाने दो। वीर्य होगा अपने लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितना है ठीक है, हो जाएगा, लेकिन इतना भी महत्व नहीं रखता कि दिन रात एक ही चीज के बारे में सोचते रहो। अगर शादी हो गई है तो सहज सेक्स को स्वीकार करो, वाइफ को स्वीकार करो, और एक जीवन को ऊंचे लक्ष्य पे ले चलो। अपने आप को भी ऊंचा उठाओ और अपनी जो वाइफ है उनको भी ऊंचा उठाओ। और ऊंचा क्या है ये मैंने तुम्हें बहुत वीडियो में बता दिया है, जाकर देख सकते हो। आगे भी तुम्हें इसी तरह की वीडियो आनी है, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे दिमाग में ये डाल नहीं दूंगा कि सेक्स और वासना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कृष्ण से बड़ी कोई चीज नहीं, तब तक तुम इससे मुक्त नहीं होने वाले। कृष्ण माने वो जो तुम्हारे जीवन को ऊंचे से ऊंचा ले जाए, वो कर्म, वो ज्ञान, वो शिक्षा, वो सब कुछ जो ऊंचा उठाता है वही कृष्ण है। अगर इस वीडियो से तुम्हारे सवाल सुलझे हैं तो जाकर मुझे कमेंट में बताओ, और एक बार नहीं दो बार देखो इस वीडियो को अगर समझ में ना आया हो। और मैं दोबारा कहता हूं कि जाकर आचार्य प्रशांत की संगत करो और जीना सीखो। और एक लाइन दोबारा दोहरा देता हूं कि ये मत देखो संसार में बाकी चीज क्या व्यर्थ जा रही है, सब भाड़ में, सब आग लगा दो, बस ये देखो कि जीवन बर्बाद जा रहा है, ये देखो समय बर्बाद जा रहा है। अब इस शब्द को लेकर अपने अंदर नेगेटिव फीलिंग मत लाना, बस ये समझो कि सही लोगों के पास चलो। अनसब्सक्राइब करो इन लोगों को जो तुम्हें सिर्फ वीर्य के बारे में बोल रहे हैं। अभी निकलो उनकी जिंदगी से, अभी उन्हें मुनाफा करवाना बंद करो। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर कर सकते हैं, और अगर मैं भी तुम्हारी लक्ष्य के बीच में, तुम्हारी ऊंचाई के बीच में आता हूं तो मुझे भी अनसब्सक्राइब करने में कोई हिचकिचाहट मत करना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।